मीडिया में जाकर के बात रखने की बात करते हैं तो ऊपर से जो निर्देश होते हैं, जहां पर पूंजीपति जिनके की मीडिया के ये ज्यादातर जो मीडिया के आप चैनल्स देखते हैं वो हैं, वो उनको जो निर्देश देते हैं उनको करना पड़ता है और उनकी भी मजबूरी होती है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार में लोग बैठे हैं उनका दबाव आ जाता है, तो इसमें उनकी भी मजबूरी हो जाती है। इसलिए आपको इन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। और आज मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया जो ये एक अलग मीडिया हो गया है, ये जो मुख्य चैनल देखने को मिलते हैं ये पिछड़ गए हैं, ये 5 और 10% में रह गए हैं, 80-90% तो आपके जो मोबाइल में सोशल मीडिया चलता है वो चीजें दिखाने का काम करता है। और खुशी की बात है कि आज सोशल मीडिया पूरी तरीके से असलियत दिखाने का काम करने पे उतारू हो गया है और बहुजन मीडिया जो उसमें खास तौर से है उन्होंने तो पूरी छापेमारी कर दी है और दिखाने का काम कर दिया है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रही है और अपनी पार्टी की सरकार बना लेकर। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो अपने आप, न उनको कोई पीछे से पैसा दे रहा है, न उनको कोई उद्योगपति उनके साथ में लगा है, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके और इस प्रदेश की असलियत दिखाने का काम कर रहे हैं और इसलिए वो बधाई के पात्र हैं।